मोक्षमूलं गुरु कृपा महामना की पुण्यतिथि आज का यह विशेष सत्र वास्तु शास्त्र का आध्यात्मिक स्वरूप वागर्थाव संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। आप सभी का भारत अध्ययन केंद्र हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान सत्र में, जिसका शीर्षक है वास्तु शास्त्र का आध्यात्मिक स्वरूप, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी उपस्थित हमारे फेलोज छात्रगण, मैं सादर अनुरोध करूंगा अपने आज के सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय शंकर सुधीर सर और अपने समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी से महामना के चित्र पर माल्य अर्पण कर कार्यक्रम शुभारंभ करें। एक सुखद संयोग भी है, आज 12 नवंबर है, महामना की पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर सभी महामना को आप सब भी उस पर अर्पित कर लें। संयोग है कि हम लोग आज इस आयोजन के माध्यम से महामना को इस आवासीय माध्यम से और आपके तरफ से भी, आप दोनों के तरफ से धन्यवाद आप सभी को। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने समन्वयक आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी से कि आप सभी का विद्वान वक्ता आचार्य श्यामदेव मिश्र जी का आवासीय माध्यम से और हमारे इस सत्र के अध्यक्ष आचार्य शुक्ल जी का माले पढ़कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा आप श्रीवास्तव जी से कि सर का मंगलाचरण के लिए मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का यह जो व्याख्यान सत्र आयोजित है, इसका शीर्षक है वास्तु शास्त्र का आध्यात्मिक स्वरूप। तो मैं एक पैरा वास्तु इस विषय के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र जो है कला के सभी आयामों के साथ साथ स्थापत्य से भी संबंधित है। वैदिक विज्ञान की आधार भूमि पर यह ज्ञान परंपरा सनय सनय समृद्ध होती चली गई और परिणाम स्वरूप स्थापत्य के वास्तु के ग्रंथों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। और संरचनात्मक कला के वास्तुशास्त्री अनुशासन जो है अर्थात तकनीकी विद्या भारत की ऋषि परंपरा का विशिष्ट अवदान है। मनुष्य और उसके सन्निकट प्रकृति एवं पर्यावरण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी संरचना इन परिस्थितियों से ही प्रभावित और प्रतिफलित होती है। वास्तु अभ्यास एक सापेक्ष प्रक्रिया है। भारतीय जीवन शैली प्राचीन भारतीय सिद्धांतों के अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें भारतीय वास्तुशास्त्र सहायक सिद्ध हो सकता है। नवीन परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप इस प्राचीन वास्तु विज्ञान को कैसे प्रायोजित किया जाए, यह विमर्श का विषय है। और इसी कड़ी में आज का यह विशेष सत्र वास्तुशास्त्र का आध्यात्मिक स्वरूप सुनिश्चित है और
जब कोई विषय तय हो जाता है तो उसके लिए किसी आचार्य की व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आज हम सभी के सम्मुख उपस्थित हैं वास्तुशास्त्र के, ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान आचार्य श्यामदेव मिश्र जी। मिश्र जी संप्रति आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हैं ज्योतिष शास्त्र विभाग, रणवीर संस्कृत, रणवीर कैंपस जो जम्मू के, जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक शाखा है। आप देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई समितियों के सदस्य रह चुके हैं, वर्तमान में हैं। इसके साथ ही आपके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं वास्तुशास्त्र को लेकर, ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न विषयों को लेकर। इसके साथ साथ आपके कई शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी पूरी जो कार्यवृत्त है इसको बांचा जाए तो काफी समय लगेगा, तो मैं संतोष करता हूँ इस संक्षिप्त परिचय के साथ ही। और जब आचार्य किसी विषय को प्रतिपादित करते हैं तो उसकी के लिए एक महती आवश्यकता होती है ऋषिकल्प गुरु की, जो उसको प्रमाणित करे, उसको वैधता प्रदान करे। इस हेतु आज हम सभी के सम्मुख उपस्थित हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक आचार्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी। आप भारतीय विद्या के प्रकांड विद्वान हैं, भारतीय विद्या ही नहीं ज्योतिष शास्त्र के, वास्तुशास्त्र के, भारतीय दर्शन के साथ साथ जो हमारा साहित्य है, परंपरा है, उसके मर्मज्ञ हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ गुरु का हम सभी को आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। अध्यक्षता के क्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे यशस्वी समन्वयक आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, जो हम भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक हैं। और इस व्याख्यान श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसके आज के सत्र के जो सूत्रधार हैं प्रोफेसर अनंता सुतोष द्विवेदी जी, जो महानिदेशक हैं हेरिटेज सोसाइटी पटना के। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। आप हमेशा तत्पर रहते हैं भारत अध्ययन केंद्र के साथ जुड़कर कुछ नए प्रकल्प को करने की, उस क्रम में आज की व्याख्यान है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को गति देता हूं।